सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सबके सब अच्छे हो गए। यहाँ पे फाइनली एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल की। और यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर है हमारे पास कैप्टन मार्वल का एक्शन फिगर जो कि लेजेंड सीरीज की तरफ से है। वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ये एक्शन फिगर मैंने तभी मंगा लिया था जब मैंने ब्लैक पैंथर का एक्शन फिगर मंगाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरा जो ट्राईपॉड है उसकी ऐसी की तैसी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। बट अभी ठीक है, मैंने उसे सही कर दिया है, पूरा खोल खाल करके एकदम सही कर दिया, तो अब वो सही से वर्क कर पा रहा है। बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस एक्शन फिगर को ओपन करूँ, यहाँ पे फटाफट से मैं इसे कर लेता हूँ ओपन, बॉक्स को रखते हैं साइड में और यहाँ से निकाल देते अपने एक्शन फिगर को और उसके स्टोन को भी। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ इसके स्टोन का, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसे फोकस करूँ यहाँ पर, ओके इसे फोकस होने में टाइम लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है, इसके ऊपर किस तरीके का पैटर्न है। और अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का ये स्टोन है जो कि हमारा माइंड स्टोन है ऑब्वियसली, क्योंकि येलो कलर का है। अब बारी आती है हमारे कैप्टन मार्वल के एक्शन फिगर की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ इस एक्शन फिगर को, सबसे पहले मैं यहाँ पर ला करके इसे कर लेता हूँ फोकस, जैसे कि आप देख ही सकते हो इस एक्शन फिगर को। यहाँ पर इसे काफ़ी दिन हो चुके थे और शायद इसी वजह से इसका थोड़ा थोड़ा पेंट हट रहा है, बट स्टिल ये एक्शन फिगर का जो फेस अगर मैं दिखाऊँ तो ये मुझे इसका स्कल्प्ट काफ़ी बेकार लगा, मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उल्टा इसके हेयर की वजह से 360 डिग्री रोटेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट स्टिल ये कर तो पा रही है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ इस एक्शन फिगर के बाकी के नीचे का पार्ट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कलर काफ़ी सही से करा है, हर तरफ बिल्कुल एक्यूरेट कलर किया गया है जस्ट लाइक मूवीज, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसका जो बैच है वो भी काफ़ी सही तरीके से बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बैक की, तो बैक पे हमें मिलती है लाइट, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट किड्स एनी मोर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे इसके हैंड की तरफ देखें, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे टेक्सचर मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि इसके आर्मर का एक पार्ट है। और यहीं पर अगर इसके पंच को देखें, तो यहाँ पर ये रबर मटेरियल से बनाया गया है और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच तो कर ही सकते हैं हम इसे। और अगर उसकी बात करें हम लोग सेकंड वाले की, तो ये भी सेम है, इसे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग मूव कर ही सकते हैं और इसके हैंड्स इतने ही मूव होंगे, इससे ज़्यादा मूव नहीं हो सकते। और बाकी अगर हम लोग बात करें इसकी लेग्स की, तो लेग्स भी बस इतने ही मूव हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हमें पॉकेट टाइप दिख रहा है इसकी वजह से ज़्यादा मूव नहीं हो सकते, जैसे कि आप सब देख सकते हो। बट यहाँ पर हमें नीज की तरफ से यहाँ पर मूवमेंट दिख जाती है, हम लोग इतना बेंड तो इसे कर ही सकते हैं, इतना बेंड हो सकता है। बट स्टिल अगर यहाँ पे हमें एल्बोस के जॉइंट भी दे दिए होते तो वो भी काफ़ी अच्छा होता, बट एल्बोस के जॉइंट नहीं दिए, उसके वजह यहाँ पे हमें रबर एक मटेरियल दे दिया गया जिसका कोई खास फायदा नहीं है। बट स्टिल एक बात अच्छी है कि इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, यहाँ ये सब जरूर टूट सकता है बिकॉज ये प्लास्टिक है, बट ये जो इसके हैंड्स है पूरी तरीके से रबर से बनाए गए, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, उसका हेड भी सेम है। और जब ये एक्शन फिगर आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि जो इसके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें मूवमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट थी नहीं। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस बूटलेग एक्शन फिगर में हमें नीज के लिए तो मिल ही गया, और अगर देखा जाए ब्लैक पैंथर के एक्शन फिगर में तो नीज में भी नहीं था और ना ही एल्बोज में था, बट स्टिल इसमें नीज में तो है ही। अगर मैं इस एक्शन फिगर को कंपेयर करूँ हमारे थॉर के एक्शन फिगर से, तो वो भी मेरे पास इधर ही रखा है, मैं ये रहा मेरा एक्शन फिगर जो कि थॉर का एक्शन फिगर है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो हाइट वाइज यहाँ पे कैप्टन मार्वल को ज़्यादा बड़ा बनाया गया है कंपेरेटिवली टू आवर थॉर, जो कि देखा जाए तो भाई उल्टा ही कर दिया इन लोगों ने, कैप्टन मार्वल और थॉर की हाइट में काफ़ी डिफरेंस है, बट यहाँ पर तो इन लोगों ने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया है। अगर मैं ओवरऑल इस एक्शन फिगर की बात करूँ, तो इसे अगर मैं 5 में से रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसे 2.5 की ही दूंगा। आई गेस